आयुक्त सत्येंद्र सिंह ढाकरे व कार्यपालक यंत्री बीवी उपाध्याय सहित कई अधिकारियों पर कांग्रेस पार्षद अनिल वैश्य ने मनमर्जी करने का आरोप लगाया है। वैश्य ने कहा कि अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो विपक्षी पार्षद एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। सिंगरौली के वार्ड 38 के कांग्रेस पार्षद अनिल वैश्य ने आयुक्त सत्येंद्र सिंह ढाकरे व कार्यपालक यंत्री बीवी उपाध्याय सहित अधिकारियों पर मनमर्जी पूर्वक एक तरफा कार्य करने का आरोप लगाया है। पार्षद ने कहा कि नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह ढाकरे व कार्यपालन यंत्री और निगम अधिकारी अपने मनमर्जी से चलते हैं। यदि ये लोग ऐसे ही काम करते रहे तो हम विपक्षी पार्षदों को एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कि हम लोग कांग्रेस की विपक्ष के पार्षद हैं और यहाँ के अधिकारी माननीय कमिश्नर महोदय और बीपी उपाध्याय जी जो है भाजपा के जो पार्षद हैं उनके वार्डों में हर काम को आसानी से कर देते हैं जो, और विपक्षों का विपक्ष के जो पार्षद हैं वो हर फाइल को अटकाते हैं, लटकाते हैं और भटकाते हैं और हर बार गुमराह किया जाता है। और विपक्ष के पार्षद एक चपरासी की तरफ फाइल लेके बार बार उनके आगे पीछे दौड़ते रहता है। कभी लिखते हैं कि आप कमिश्नर साहब के पास जाइए, कभी लिखते हैं कि हमारे पास आइए और कभी लिखते हैं कि मौके पर जाएंगे। और SDO इंजीनियर जांच करने के बावजूद भी जब फाइल इनके पास टेबल पर पहुंच जाती है तो वो महीनों दो महीने सालों तक अपने पास फाइल रखे रहते हैं और कोई काम करने के लिए बोले कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ जो है भाजपा के पार्षदों का जो है सबसे ज़्यादा वार्ड में टेंडर कराते हैं और उस वार्ड में भाजपा के पार्षदों के साथ मिली भगत करके भ्रष्टाचार करते हैं और विपक्ष वार्डों के इससे काम नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार करते इनसे नहीं बनता है। जो नगर निगम जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सब मिली भगत करके करते हैं जो भ्रष्टाचार जो है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।